सीतामढ़ी जिले के चर्चित डॉक्टर शंकर महतो के क्लिनिक में हुए गोलीकांड मामले में धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। हत्याकांड की साजिश रचाने के आरोप में पुलिस ने डॉक्टर की पूर्व पत्नी और भतीजे सहित चार लोगों को जेल भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस को नर्स के हत्यारों की तलाश थी। पुलिस हर संदिग्ध व्यक्ति की पड़ताल कर रही थी। लगातार हत्यारों की तलाश कर रही पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब महसौल ओपी थाना रेलवे गुमटी के समीप बाइक से आ रहा एक युवक पुलिस को देख भागने लगा, जिसे भागता देख पुलिस ने दौड़ लगाकर उसे रेल पुल पर धर दबोचा। गिरफ्त में आए युवक की तलाशी में पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल, एक गोली, करीब 12,000 रुपए, दो मोबाइल के साथ एक बाइक की चाबी मिली। गहन पूछताछ के बाद उसने अपना नाम इंदल महतो बताया और अरुण सैदपुर प्रखंड का रहने वाला है। इसी क्रम उसने डॉक्टर क्लिनिक गोलीकांड में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। इतना ही नहीं, उसने ये पुलिस को ये भी बताया कि इस गोलीकांड का वो एक मोहरा है, मुख्य हत्यारा कोई और है, जिसका खुलासा होने की खबर मिल रही है। इधर इस मामले में एसपी किशोर राय ने भी गिरफ्तार अपराधी इंदल महतो के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूचना प्राप्त हुई कि महसौल थाना अंतर्गत उसमें से एक अपराधकर्मी हथियार के साथ आया हुआ है, तो उस पर चेकिंग लगाई गई थी। चेकिंग के क्रम में उस अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से तलाशी लेने पर एक पिस्टल, देसी पिस्टल बरामद हुआ और एक गोली बरामद हुई। और फर्दर उससे पूछताछ किया गया तो पूछताछ में उसने अपने पूरी की घटना में संलिप्तता स्वीकार की है और उसने पूरे घटना के काफ़ी डिटेल में खुलासा किया कि कैसे कैसे उन लोग का संपर्क हुआ। जो अपराधी पकड़ा गया उसके द्वारा ही पुनः बताया गया कि इसके साथ के अन्य शूटर हैं, उसमें से एक बाबू भगत नाम का शूटर है, जो कि जो घटना के मुख्य षड्यंत्रकर्ता सीमा सिन्हा जी हैं, उनसे काफ़ी पहले से संपर्क में था, उनके द्वारा पहले लाइनअप किया गया। और जो डॉक्टर साहब हैं उनके दो भतीजे जेल जा चुके हैं, उसके बारे में भी इसके द्वारा बताया गया कि लगभग एक सप्ताह पूर्व ये सभी लोग एकत्रित हुए थे। उस समय योजना को मूर्त रूप देने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी और घटना से 3 दिन पहले इन लोग को एडवांस में 1,00,000 रुपया दिया गया था। उस 1,00,000 रुपये में इनको भी कुछ हिस्सा मिला था, उसमें से 11,300 रुपये इनके पास से बरामद भी किया गया है। जो घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल ये लोग घटना में उपयोग किए थे, उसमें से एक मोटरसाइकिल पहले ही बरामद किया जा चुका है, एक मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल था उसमें से एक पिस्टल को इनके पास से अभी बरामद किया गया है। तो घटना में महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं, काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस भी इसमें मिला है, कॉल डिटेल का भी अच्छा हम लोग का विश्लेषण होकर निकल के आया है। तो उम्मीद है कि इन लोग को सजा मिले, जो बचे हुए 3 अपराध कर रहे हैं उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास। सर एक बार जानना चाहते हैं, इस हत्या के पीछे मकसद क्या था? मकसद जैसा पूर्व में ही बताया जा चुका है, मुख्य रूप से सपना है जो डॉक्टर साहब की दूसरी पत्नी के रूप में रही है, उनके साथ में डॉक्टर साहब द्वारा सारी संपत्ति उनके नाम से की जा रही थी। तो पहली पत्नी को और बाकी परिवार वालों को उनसे जलन थी और उन लोग को लगता था कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, डॉक्टर साहब जो भी कमाई कर रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों का यही प्लान था कि उनको अगर सामने रास्ते से हटा दिया जाए तो बाकी संपत्ति जो भी है इन लोग को मिलना शुरू हो जाए।